हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल और आप सभी लोगों का स्वागत है संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज बार बार आते हैं कि आप शिलाजीत के बारे में कुछ बताइए, तो आज मैं यहाँ पे शिलाजीत के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिलाजीत क्या होता है, शिलाजीत हमें कैसे लेना चाहिए, शिलाजीत हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सिर्फ पुरुषों को ही शिलाजीत लेना चाहिए या स्त्रियों को भी शिलाजीत लेना चाहिए, क्या शिलाजीत के कोई साइड इफेक्ट है, शिलाजीत के क्या क्या फायदे हैं और शिलाजीत का डोज कितना होता है, आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में क्या क्या कहा गया है, ये सारी इंटरेस्टिंग माहिती, ये सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। दोस्तों, शिलाजीत को आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के ऋषि चरक आचार्य ने शिलाजीत को रसायन औषधि कही है। आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में ऐसा कहा जाता है, रसायनम तद विधि भी तद वृष्यम तच रोगनुत, यानी कि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने शिलाजीत को सर्व रोग नाशक कहा है। उसके बाद चरक आचार्य शिलाजीत के बारे में आगे क्या कहते हैं वो जानते हैं। नसो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपः शिलावाहम यमन जायेत प्रसह्य। शिलाजीत के बारे में अगर हम देखें तो शिलाजीत क्या है, शिलाजीत एक टार लाइक सब्सटेंस है जो हिमालयन पर्वतों में से मिलता है। जब सूरज की कड़ी धूप हिमालय के पत्थरों पे पड़ती है तो उसमें से जो रेजिन निकल के बाहर आता है उसे शिलाजीत कहा जाता है। शिलाजीत के बारे में लोकल लोगों की ऐसी मान्यता है कि शिलाजीत जो है वो पहाड़ का पसीना है, लेकिन ये सही मायनों में एक रेजिन है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स का प्रमाण होता है। शिलाजीत के अंदर हम देखने जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा फुल्विक एसिड की होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान होती है। उसके अलावा शिलाजीत में ह्यूमिक एसिड और 80 से ज्यादा मिनरल्स प्राप्त होते हैं और इसी की वजह से शिलाजीत हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। शिलाजीत का सेवन कौन कर सकता है, शिलाजीत का सेवन रोगी भी कर सकता है। कौन कौन से रोगों में शिलाजीत का सेवन हम कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूं। और जिसको कोई भी बीमारी नहीं है वो स्वस्थ रहने के लिए और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए, हमेशा जवान और एनर्जेटिक रहने के लिए भी शिलाजीत का सेवन कर सकता है। मतलब कि रोगी और जिसको कोई रोग नहीं है ऐसा निरोगी, ये दोनों शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनके अंदर में भी शिलाजीत का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चंद्र प्रभावटी, तापियादि लोह जैसी काफी सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसमें शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है, एक इंग्रेडिएंट के स्वरूप में शिलाजीत यूज होता है। एक और सवाल कि क्या शिलाजीत पुरुषों को ही लेना चाहिए, क्या शिलाजीत का सेवन स्त्रियां कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत का सेवन स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। काफी सारी ऐसे डिसीज कंडीशंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिसमें स्त्रियों को भी शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। शिलाजीत के चरक संहिता में आयुर्वेद में काफी सारे अलग अलग नाम बताए हैं, शिलाजतु, गिरिज, गैरेय, अद्रिजातु, शैल निर्यास, अशमज, ये अलग अलग नाम है शिलाजीत के। उसके अलावा जिन पर्वतों में जिन धातुओं का प्रमाण ज्यादा होता है, जैसे कि कुछ ऐसे पर्वत हैं जहां पे तांबे का प्रमाण यानी कि कॉपर का प्रमाण ज्यादा होता है, कहीं पे चांदी ज्यादा होती है, कहीं पे सोना होता है, अलग अलग पर्वतों में से जहां जहां से शिलाजीत मिलता है उसके हिसाब से उसके गुण और उसके अलग अलग नाम भी बताए गए हैं। शिलाजीत की अगर हम गंध यानी कि उसकी जो स्मेल है हम करने जाए तो वो यूरिन जैसी स्मेल आती है, लेकिन उसके अंदर यूरिन नहीं है, मतलब कि उसको अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। कहीं पे उसको गौमूत्र से भी शोधित किया जाता है और काफी सारी फार्मासिस्ट में उसे मेडिसिनली उसको शुद्ध भी किया जाता है, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी मूत्र जैसी होती है। शिलाजीत के बारे में आगे चरक आचार्य कहते हैं, दध्यात दीर्घम आयुः सुखं विताम, यानी कि शिलाजीत का सेवन करने से आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। मतलब कि जो लोग लंबा जीना चाहते हैं,
जो लोग हमेशा यंग रहना चाहते हैं, जो लोग हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, वैसे लोगों को शिलाजीत का रेगुलर सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि शिलाजीत अगर इतना अच्छा है तो शिलाजीत के क्या क्या फायदे हैं। शिलाजीत के सबसे पहले फायदे की अगर हम बात करें तो वो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिसीज में एक जो स्टडी हुई है वो इस तरह से कहती है कि जिसको भी अगर अल्जाइमर डिसीज है या अल्जाइमर डिसीज की हिस्ट्री है, अगर उन लोगों को रेगुलर प्रमाण में, रेगुलर मात्रा में, डोज के अनुसार शिलाजीत का सेवन करवाया जाए तो जो ब्रेन सेल्स का डीजनरेशन हो रहा है वो अटक जाता है, वो रुक जाता है, और ब्रेन सेल्स का डीजनरेशन रुकने के साथ साथ अल्जाइमर डिसीज में से भी आपको क्योर प्राप्त होता है। मतलब कि जिन लोगों को 40 या 50 साल की उम्र के बाद भूलने की बीमारी होने के चांसेस लग रहे हैं, उन लोगों को पहले से ही शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से वो लोग अल्जाइमर जैसी बीमारी से बच जाते हैं। उसके अलावा शिलाजीत का सेवन करने से मेंटल स्ट्रेस और मानसिक रोग, आयुर्वेद में जिसको उन्माद और अपस्मार रोग कहा जाता है, इन सारे रोगों में भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता हुआ देखा जाता है। उसके अलावा शिलाजीत में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। शिलाजीत में फुल्विक एसिड है जिसकी वजह से अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ रही है, तो इन्फ्लेमेशन सूजन दूर होती है। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है शिलाजीत। और एंटी एजिंग की जो प्रोसेस है, यानी कि हमेशा यंग रहने वाली जो प्रोसेस है, एंटी एजिंग प्रोसेस में अगर आप रेगुलर शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद 99% लोग जो है वो शिलाजीत का सेवन इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी स्टडीज शिलाजीत पे इसीलिए हुई है कि क्या ये सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करता है, और हर जगह पे शिलाजीत ने अपने आप को सही साबित किया है। जिन मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से सेक्स की अनिच्छा हो जाती है, लिबिडो जिनका कम हो जाता है, जिनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, इजैक्युलेशन जल्दी हो जाता है, और ऐसे मेल में ज्यादातर ये प्रॉब्लम 35 से 40 साल की उम्र के बाद मेल में देखा जाता है, तो ऐसे मेल में अगर आप शिलाजीत को रेगुलर देंगे तो शिलाजीत की वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिन मेल में स्पर्म काउंट की कमी की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में तकलीफ हो रही है, तो उन पुरुषों में अगर शिलाजीत दिया जाए तो उनका, अगर रेगुलर मात्रा में 3 मंथ्स तक शिलाजीत का सेवन करेंगे तो उनका स्पर्म काउंट काफी सारी स्टडीज के अनुसार बढ़ते हुए देखा जाता है। हमारी डे बाय डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम शिलाजीत जिन जिन पेशेंट को देते हैं तो उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है और स्पर्म काउंट भी बढ़ते हुए देखा जाता है। उसके बाद आयुर्वेद में बताया गया है शिलाजीत का प्रयोग जो है वो पांडु रोग यानी कि एनीमिया में बहुत अच्छा रोल है। जिन लोगों को बार बार खून की कमी हो जाती है, यहाँ पे शिलाजीत का इस्तेमाल स्त्रियों को भी करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को मासिक धर्म ज्यादा जाने की वजह से या कोई और कारण की वजह से बार बार खून की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे स्त्रियों को और पुरुषों में जिनको भी अगर एनीमिया की तकलीफ है, खून की कमी हो जाती है, तो उनको अगर शिलाजीत रेगुलर दिया जाए तो उसकी वजह से आयरन लेवल भी बढ़ता है क्योंकि शिलाजीत में बहुत सारे मात्रा में आयरन होता है। उसके अलावा उसमें ह्यूमिक एसिड होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बूस्ट होता है और आयरन लेवल भी बढ़ता है और एनीमिया की तकलीफ दूर हो जाती है। शिलाजीत जो है वो क्रोनिक फटीक सिंड्रोम की सबसे बेहतरीन दवा है। जनरली 35 साल की उम्र के बाद पुरुषों में थकावट महसूस होती है, शाम के समय पर थकावट लगना, कमजोरी लगना, हाथ पैरों में दर्द होना और ज्यादा काम ना करने के बावजूद भी थकान लग के नींद आना, इसे कहते हैं क्रोनिक फटीक सिंड्रोम, CFS। जिन लोगों को भी क्रोनिक फटीक सिंड्रोम है वो आंख बंद करके शिलाजीत का सेवन करना शुरू करें। शिलाजीत का सेवन 1 से 3 महीना रेगुलर करने से क्रोनिक फटीक सिंड्रोम में 100% रिजल्ट प्राप्त होते हैं। रेयर केस में ऐसा भी देखा गया है के लीवर कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए भी, जिन लोगों को लीवर कैंसर की प्रॉब्लम होने वाली है, लीवर जिनका अफेक्टेड है, तो लीवर कैंसर को प्रिवेंट करने में भी, मतलब शिलाजीत के ऊपर स्टडीज हुई है और शिलाजीत का उसमें रोल साबित हुआ है। आयुर्वेद के हिसाब से प्रमेह यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो भी है उनके लिए शिलाजीत एक बेहतरीन औषधि है। जो लोग भी प्री डायबिटिक हैं, जिनको बॉर्डर लाइन पे शुगर आया हुआ है, वो लोग अगर 1 से 3 महीने तक रेगुलर शिलाजीत का सेवन करते हैं तो उनका रिपोर्ट नॉर्मल आने के 100% चांसेस हैं। शिलाजीत का सेवन करने से हमारी हार्ट हेल्थ यानी कि हमारा हृदय जो है उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारा कार्डियक फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। उसके अलावा शिलाजीत जो है उसकी जो तासीर है, उसकी जो प्रकृति है वो गर्म है, तो उसकी वजह से वो शरीर में से कफ को कम करता है, यानी कि मेद वृद्धि की वजह से जितने भी रोग होते हैं,
जो लोग ओबेसिटी से पीड़ित हैं, मोटापे से पीड़ित हैं, जिनका वजन ज्यादा है, पेट बड़ा हुआ है, अगर वो लोग शिलाजीत का रेगुलर सेवन करते हैं तो शिलाजीत के सेवन की वजह से उनका वजन भी कम होता है। शिलाजीत एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, वो हमारी इम्यून बूस्ट करता है। जो भी फीमेल या मेल आर्थराइटिस से पीड़ित है, जिनको घुटनों का दर्द है या रूमेटोइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं, अगर उन लोगों को शिलाजीत का सेवन करवाया जाए तो आर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और जो लोग मस्कुलर वीकनेस से पीड़ित है, जिनके मसल्स वीक है, उन लोगों को भी शिलाजीत का सेवन करने से उनके मसल्स में काफी इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों ये जानते हैं कि क्या गर्मियों में हमें शिलाजीत का सेवन करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, शिलाजीत का सेवन हम 12 महीना कर सकते हैं, गर्मियों में भी हम शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि गर्मियों में अगर आप शिलाजीत का सेवन करना चाहते हैं तो उसको आप दूध के साथ सेवन करें। रात को सोने से एक घंटा पहले गर्म गुनगुने दूध के एक कप के साथ मटर के दाने जितने शिलाजीत को घोल के उसका सेवन आप कर सकते हैं। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और शिलाजीत के बेहतरीन बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत जो है वो एक रसायन औषधि है, इसीलिए शिलाजीत का सेवन आप सुबह खाली पेट बाकी के महीनों में ठंडी की सीजन में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आधा ग्लास पानी लेना है, आधा ग्लास गर्म गुनगुना पानी लेना है, जिसमें मटर के दाने जितना शिलाजीत डाल के उसका सेवन करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शिलाजीत का सेवन करना है। आपको इतना सा पानी लेना है, ये शिलाजीत है, उसमें शिलाजीत को अच्छे से हमें मिलाना है। ये टार लाइक सब्सटेंस है, इसीलिए इसको मिलाने में हमें थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से हम इसको घोलते जाएंगे, ये धीरे धीरे इसमें मिलता जाएगा, और जब ये पूरे का पूरा शिलाजीत इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है तब हमें उसका सेवन करना है। जैसे जैसे शिलाजीत ये गर्म गुनगुने पानी में मिक्स होता जाएगा तो पानी उसका रंग पकड़ता जाएगा। इस तरीके से आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बात की, अब मैं आपको बताना चाहूंगा शिलाजीत का डोज कितना है, यानी कि कितनी मात्रा में हमें शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। शिलाजीत का सेवन हमें 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम तक पर डे करना चाहिए। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, अगर मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया आपकी मंद है, स्लो है, तो आपको शिलाजीत का सेवन पर डे 250 मिलीग्राम करना चाहिए। अगर धीरे धीरे उसके बाद आप उसका सेवन बढ़ाते हुए 500 मिलीग्राम तक लेके जा सकते हैं। जिन लोगों की पाचन क्रिया बहुत अच्छी है वो 1 ग्राम पर डे तक का भी शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत का सेवन हमें कितने समय तक करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत का सेवन 7 हफ्तों तक भी कर सकते हैं, 3 हफ्तों तक भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूस 7 दिनों तक भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म, आपकी पाचन शक्ति के अनुसार आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन शिलाजीत का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। अब हम देखते हैं शिलाजीत के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में ऐसा कहा गया है कि सर्व रोगों की दवाई है, मतलब हर बीमारी में आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो अगर आपको होता है तो आपको शिलाजीत का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को शिलाजीत का सेवन करने के बाद उसकी प्रकृति, उसकी तासीर गर्म है, इसलिए पाल्पिटेशन यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, या तो चक्कर आना, या स्किन पे रैशेस आ जाना, अगर ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो आपको शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो स्त्रियां गर्भवती हैं या जो स्तनपान करवा रही हैं, लैक्टेशन पे हैं, उन स्त्रियों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स का बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो गाउट की बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट की कोई मेजर डिसीज है, हार्ट की कोई बड़ी बीमारी है, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पथरी की तकलीफ है यानी कि कैलकुली की तकलीफ है, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग भी शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं उनको ये याद रखना है कि शिलाजीत का सेवन करने के बाद उनको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि शिलाजीत में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को बेनिफिट होगा। दोस्तों शिलाजीत के बारे में आज आपको हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। आशा रखता हूं कि मेरी जानकारी आप सब लोगों तक पहुंची होगी और इस जानकारी से आप सभी लोगों को फायदा होगा। आप सभी लोगों के साथ मैं बार बार हर हफ्ते जुड़ूंगा ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए
बेफिक्र आप संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी आनंद महल रोड अडाजन सूरत।